बड़ी खबर बता दें, कोरोना पर सेना की मदद। कोरोना पर सेना अब मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार। सेना देगी अपने अस्पताल, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। अब ये बड़ा फैसला सेना की तरफ से। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने नरवणे से बात की है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सेना की तरफ से भी अब इन हालातों से निपटने के लिए पहल की गई है। सेना अपने अस्पताल देने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये पहल है, राजनाथ सिंह की पहल, और इस पहल के वजह से अब सेना की तरफ से अपने अस्पताल दिए जाएंगे। संदीप बोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ये बड़ी पहल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। संदीप, क्या जानकारी? गायत्री, देखिए लगातार रक्षा मंत्री नजर बनाए हुए हैं सिचुएशन पे कि किस तरीके से कोरोना जो है लगातार फैल रहा है और उसको किस तरीके से रोका जा सके या उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके और जो जो पीड़ित लोग हैं उनको कैसे राहत दी जा सके। लगातार रक्षा मंत्री जो है सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे और जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। और जितने भी ऐसे स्टेट हैं जो कि जहाँ पे की इनकी फैसिलिटीज है, खासतौर पे की जो जितने भी मिलिट्री कैंट है वहाँ पे जितने भी अस्पताल है उनको भी कहा गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कि बनाए रखा जाए। हाल ही में DRDO को ये कहा गया था कि लखनऊ में जो है दो अस्पताल बनाने के लिए 300 बेड के दो अस्पताल बनाने की जो है खुद जो है रक्षा मंत्री ने बात कही थी। और उसके बाद बाकायदा टीम भी वहाँ गई थी, HAL जो कि भारतीय सेना के लिए जो है रक्षा मंत्रालय के लिए जो है वो काम करता है, उनको स्पेशली बोला गया है कि अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है कांटेक्ट में रहे और जब भी जरूरत पड़े तो उनको वो सुविधाएं दी जा सके। गायत्री, आपको याद होगा कि पिछली बार जब कोरोना शुरू हुआ था उस वक्त भी सेना ने इसी तरीके से अपने आगे बढ़ाई थी, कई सारे क्वारंटीन सेंटर खोले गए थे और उसके बाद वहाँ पे लोगों को देखरेख की जा रही थी, क्योंकि सेना और कुछ दिन पहले ही जो है सेना ने भी एक अपने इंटरनली गाइडलाइन भी जारी की गई थी जिसमें कि अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया था। जितने भी ऐसे ऑपरेशंस है जो बड़े हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं, उनके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की। और उससे बहुत बड़ी मदद मिली थी हालात से निपटने में। और ये बहुत बड़ी पहल एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और जो मौजूदा हालात है, सेना की इस मदद से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के।